बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। ये चौथा स्कूल ऑफ थॉट है। इससे पहले हम तीन स्कूल्स ऑफ थॉट को पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने स्ट्रक्चरलिज्म को पढ़ा। इसमें मेंटल प्रोसेस का स्ट्रक्चर देखा जाता है, उसको एलिमेंट्स में डिवाइड किया जाता है। और इसी तरह हमने फंक्शनलिज्म को पढ़ा। फंक्शनलिज्म में क्या है, इसमें किसी भी ह्यूमन बींग की का मेंटल स्टेट, उसकी नेचर ऑफ मेंटल स्टेट को जानने के लिए उसके फंक्शंस को देखा जाता है, उसके कामों को देखा जाता है। और इसके बाद बिहेवियरिज्म को भी हम पढ़ चुके हैं। बिहेवियरिज्म में बिहेवियर का मुताला किया जाता है, बिहेवियर की स्टडी की जाती है। और आज का हमारा टॉपिक है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। सबसे पहले हम गेस्टाल्ट का मतलब जानने की कोशिश करेंगे। गेस्टाल्ट किसको कहा जाता है? ऐसे ख्वास का हामिल नमूना या शक्ल जो अलग अलग हिस्सों के अफवाल को जमा करने से, उनको इकट्ठा करने से हासिल हो, गेस्टाल्ट कहलाता है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी क्या है? गेस्टाल्ट साइकोलॉजी एक ऐसी थ्योरी है, एक ऐसा नजरिया है जो किसी मेंटल प्रोसेस की कंप्लीट सजेशन को एक्सप्लेन करे, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी कहलाती है। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? गेस्टाल्ट साइकोलॉजी पर्सीव्स अ होल साइकोलॉजिकल सिस्टम एज मोर सिग्निफिकेंट देन इट्स सिंगल पार्ट्स। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में साइकोलॉजी को, नफ्सियात को एज ए होल लिया जाता है। इसको पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जाता, इसके पार्ट्स नहीं देखे जाते, बल्कि इसको एज ए होल ट्रीट किया जाता है। इसको एक एग्जांपल की मदद से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जिग्सा एक पजल गेम है, आपको पता होगा, या फिर एक स्नेक की पजल गेम होती है, आपने कई बार ये गेम खेली भी होगी। कहा जाता है कि आपने स्नेक को यहाँ से इन करना है और यहाँ से आउट करना है। अगर आप यहाँ से आउट करने में कामयाब हो गए तो आप गेम विन कर जाएंगे, अदरवाइज आप गेम हार जाएंगे। स्नेक को यहाँ से इंटर किया और मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ कट लगे हुए, यहाँ से गुजारते गुजारते आप कहीं एक जगह फंस जाएंगे। वो इसलिए कि आगे रास्ता नहीं होगा, स्नेक आगे यहाँ रुक जाएगा। और बाद वक्त ऐसा होता है कि आप गुजारते गुजारते लास्ट पे आप मंजिल पे पहुंच जाते हैं, आप गेम जीत भी जाते हैं, मोस्टली आप हार जाते हैं। मोस्टली जब भी आप ये गेम खेलेंगे तो इस गेम में आप ऊपर से तो गुजारते गुजारते आएंगे, शायद कि आप दो स्टेप गुजार के नीचे आ जाए, फिर आगे तीसरे स्टेप में आप कहीं रुक जाए, आगे आपको रास्ता ना मिले। ये होता क्यों है? जब आप हार जाते हैं ये क्यों आते हैं? इसकी वजह ये होती है कि आप किसी एक पार्ट पे या दो पार्ट पे आप फोकस करते हैं, आपका ध्यान एज ए होल नहीं होता। जब आप सिर्फ ऊपर फोकस करेंगे, आप नीचे इसको नहीं देखेंगे, तो नीचे जाके आपका स्नेक रुक जाएगा, वहाँ आप हार जाएंगे, वहाँ फंस जाएंगे। और अगर आप जीत जाते हैं तो क्या होगा? जब आप जीते क्यों हैं? अब तभी जीत सकते हैं जब आप इसको एज ए होल देखेंगे, आप इसको पूरा जज करेंगे। जज करने के बाद आप देखेंगे कि स्नेक ऊपर से गुजरेगा और गुजरते गुजरते नीचे आएगा, यहाँ से कहाँ से गुजरेगा और लास्ट पे कैसे पहुँचेगा, इसको होल देखेंगे और उस सूरत में आप जीत सकते हैं। यहाँ आपने एक चीज़ आप यहाँ नोट करें कि यहाँ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी यूज़ हो रही है। ये एक माइंड गेम है, तो माइंड गेम चूँकि साइकोलॉजी में आती है और साइकोलॉजी में ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है कि आप इसको ऐसी होल लेंगे तब जाके आप ये गेम विन करेंगे। अगर आप इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, सिर्फ इसके पार्ट्स देखेंगे, तो आप इस गेम को नहीं जीत सकते। उम्मीद करता हूं कि आपको गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की समझ आ गई होगी, आपको ये वाली एग्जांपल भी पसंद आई होगी। चलते हैं आगे इसके फाउंडर्स की तरफ। इसके फाउंडर कौन थे? मैक्स वर्थेमर ने स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म के अगेंस्ट गेस्टाल्ट साइकोलॉजी को डेवलप किया था। इनका मानना था कि होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, कि अगर किसी चीज को पार्ट्स में डिवाइड करें और फिर उनका सम करें, वो सम छोटा होगा, उसके होल से छोटा होगा। इनके अलावा इमैनुअल कांट, अर्नस्ट मार्क, जॉन वोल्फगैंग भी इस गेस्टाल्ट साइकोलॉजी को डेवलप करने में इनका बहुत अहम किरदार है। ये आगे इसके फाउंडर। अब चलते हैं इसका कंट्रीब्यूशन क्या था, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का मॉडर्न साइकोलॉजी में क्या कंट्रीब्यूशन था। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का मॉडर्न साइकोलॉजी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन गेस्टाल्ट थेरेपी है। गेस्टाल्ट थेरेपी क्या है? इसमें किसी शख्स की सेल्फ डायरेक्शन और उसकी आजादी पर फोकस किया जाता है, एक्सपेरिमेंट्स के बजाय प्रेजेंट टाइम पर फोकस किया जाता है। आजकल बच्चों में एक प्रॉब्लम पेश आ रही है जिसको ऑटिज्म कहा जाता है। ऑटिज्म का शिकार बच्चे क्या करते हैं, वो किसी एक चीज़ पर फोकस कर लेते हैं, वो सिर्फ अपनी फेवरेट चीज़ों पर रिस्पांस देते हैं, बाकी चीज़ों पर रिस्पांस नहीं देते। उनके लिए भी गेस्टाल्ट थेरेपी यूज होती है, उनको गेस्टाल्ट थेरेपी के लिए ट्रेंड किया जाता है। इसके बाद स्टडी
परसेप्शन एंड सेंसेशन। ये दूसरा बड़ा कंट्रीब्यूशन है मॉडर्न साइकोलॉजी में कि किसी भी इंसान के माइंड में उसके ख्यालात, उसके एहसासात की स्टडी की कैसे की जाए, उसका मतलब कैसे किया जाए, इसका जवाब भी हमें गेस्टाल्ट साइकोलॉजी देती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला टॉपिक समझ भी आया होगा और आपको ये पसंद भी आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जहां हम पांचवें स्कूल ऑफ थॉट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।